पेंडिंग भर्ती प्रक्रिया जिसमें आर्मी एग्जाम, एयरफोर्स एनरोलमेंट व एयरफोर्स रिजल्ट की जो याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दायर हुई थी, उन्हीं याचिकाओं के साथ एक नेवी भर्ती प्रक्रिया को लेकर भी याचिका दायर हुई थी। अब उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है जिसका पूरा का पूरा विश्लेषण इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। नमस्कार जहिन साथियों, अभी तक आपने देखा होगा कि नेवी की एक भर्ती को लेके एक जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है जिसमें मेल व फीमेल कैंडिडेट्स को रिक्रूटमेंट के तहत इनविटेशन दिया गया है कि आप नेवी के लिए अप्लाई करें। जो जो इच्छाधारी कैंडिडेट्स है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने उस नोटिफिकेशन को देखा होगा, लेकिन यहाँ आपने सबसे बड़ी एक जो चीज नोट की है वो ये है कि अब नेवी भर्ती प्रक्रिया के एग्जाम एक बार फिर से ऑनलाइन कंडक्ट किए जाएंगे। बहुत सारे साथियों को इसके बारे में जानकारी नहीं है कि इसके पीछे कुछ अलग तथ्यात्मक आंकड़े हैं। जी हां, इसको लेके पहले ही दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर हुई थी और इस बार भी अग्निपथ योजना के तहत जो अग्निवीरों की भर्ती हो रही थी नेवी में, इसके ऊपर भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर हुई थी। हालांकि उस याचिका के ऊपर अभी भी सुनवाई जारी है, अभी भी सुनवाइयां और बाकी है और फैसला भी बाकी है। और उससे पहले ही नेवी ने नई भर्ती प्रक्रिया में लागू कर दिया है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम। बोले तो सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा। जो शॉर्ट लिस्ट किए जा रहे थे, 3-4 हजार कैंडिडेट्स को फाइनल तौर पे लिया जा रहा था, अब उस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाएगा। तमाम कैंडिडेट्स जो फॉर्म भरेंगे उन तमाम कैंडिडेट्स को एक फिक्स परसेंटेज बेस क्राइटेरिया के आधार पे बुलाया जाएगा। सीधे तौर पे बोले जैसे एयरफोर्स की तर्ज में जैसे कैंडिडेट्स को सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है, अब उसी आधार पे इस भर्ती प्रक्रिया में भी मौका दिया जाएगा। साथियों, मैं आपको यहाँ ये बता दूं कि इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में युवाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। याचिकाकर्ताओं की मांग थी कोर्ट के समक्ष कि सभी कैंडिडेट्स को मौका दिया जाना चाहिए। इससे पहले ये प्रक्रिया 2017-18 से निरंतर चली आ रही थी, लेकिन 2021 अगस्त के अंदर इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया था। तब भी युवाओं ने कोर्ट का रुख किया था। तब नेवी ने कहा था कि हम इस भर्ती प्रक्रिया को आगामी बेंच के अंदर वापस ऑनलाइन कर दिया जाएगा, आगामी जो भी बेंच रहेगा उसको ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा, अभी COVID-19 के चलते ये संभव नहीं है। लेकिन उसके पश्चात भी एक और बेंच आता है और उसमें भी इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाता है। इसके पश्चात अभी की अगर ताजा बात की जाए तो अग्निवीर का जो पहला बेस था उसमें भी ये ऑनलाइन प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया गया था, ऑनलाइन एग्जाम को लेके या सीधे तौर पे सभी एग्जाम को लेके जो सभी कैंडिडेट्स के एग्जाम को लेके जो मांग थी उसको फॉलो नहीं किया गया था। और इसी को लेके एक बार फिर से युवाओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था और इसी आधार पे अब फैसला भी आना बाकी था, अभी सुनवाई भी बाकी थी। और नेवी की ओर से आपको ये भी बता दूं कि किसी भी प्रकार का कोई रिप्लाई भी सामने नहीं आया था और उससे पहले ही अब ये जो चीजें सामने आई है, ये जो नोटिफिकेशन सामने आया, इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि ऑल कैंडिडेट्स को मौका दिया जाएगा और शॉर्ट लिस्ट की प्रक्रिया है वो इसके बाद है, वो फॉलो की जाएगी ऑल कैंडिडेट्स को मौका दिए जाने के बाद। और ये तमाम चीजें एक विश्लेषण के माध्यम से मैंने साथियों आपके साथ साझा की है। लेकिन मेन पॉइंट की बात आपको बता दूं कि उन्हीं याचिकाओं के साथ, उन्हीं केसेज के साथ इस याचिका को भी कोर्ट में दायर किया गया था और उन्हीं याचिकाओं के साथ इन याचिकाओं को कोर्ट सुन भी रहा था, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अभी इंतजार कीजिए, एग्जाम होने दीजिए, अभी उनका एडमिट कार्ड आने दीजिए। ये तमाम बातें पहले मैंने आपके साथ साझा की है, लेकिन ताजा अपडेट है कि ये भी एक केस कोर्ट में लगा था और अब इंडियन नेवी ने ऑनलाइन प्रक्रिया जारी कर दी है। बहुत सारे साथी पूछते हैं कि इससे उन याचिकाओं से क्या संबंध है, तो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि उन याचिकाओं के साथ ही इस भर्ती प्रक्रिया को लेके याचिका दायर हुई थी और ये हमारे लिए एक पॉजिटिव एंगल हो सकता है, क्योंकि बिना किसी जवाब दिए, बिना कोई सुनवाई और बिना कोई फैसले से पहले ही इस तरीके से ये चीज लागू की गई है, ये वाकई में काफी अलग है। साथियों, इसको आप किस नजर से देखते हैं ये आप मुझे कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा। अपनी राय जो भी है वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर दीजिएगा। साथ ही जो भी साथी इस एंगल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी बात है, खुशखबरी है और इसके लिए इंडियन नेवी को विशेष तौर से थैंक्स भी बोलना चाहेंगे। साथ साथ साथियों आपको बताते चलें कि एयरफोर्स की भर्ती प्रक्रिया में भी अब है वो 25 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच ज्वाइनिंग होने वाली है, जिसमें तकरीबन आंकड़ों की अगर बात की जाए तो 2800 के करीब कैंडिडेट्स को अंतिम तौर पे लिया गया है, जिनकी 25 से 28 के बीच ज्वाइनिंग होगी। और स्टैंड बाई के करीब, स्टैंड बाई के लिए जो कैंडिडेट्स रखे गए हैं उनकी 29 दिसंबर को ज्वाइनिंग होने वाली है।
पहले अगर बात की जाए तो पहले काफी जल्दबाजी इस प्रक्रिया में देखने को मिली थी, जो पहला ये बैच की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसमें तकरीबन 30 नवंबर को इनकी पीएसएल जारी होनी थी, जो तकरीबन 11 नवंबर को ही जारी हो गई थी। उसके पश्चात इनरोलमेंट में भी काफी जल्दबाजी की गई, इनरोलमेंट तकरीबन 10 दिसंबर को आती थी और वो भी है 25 नवंबर को जारी कर दिया गया था। आपको ये भी बताते चले कि इनरोलमेंट जारी होने के तकरीबन 1-1.5 हफ्ते में ही कैंडिडेट्स को ज्वाइनिंग के लिए बुलाया जाता था, लेकिन अब इसको महीने भर का समय दिया जा रहा है और 25 दिसंबर से 28-29 दिसंबर तक इन कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग होने वाली है। सभी साथी जो सिलेक्टेड हुए हैं उनको बधाई, और जो साथी स्टैंड बाई रहे हैं उनको भी हम चाहेंगे कि उनका भी किसी न किसी एंगल से चयन हो। साथ ही मैं चाहूंगा आप आपसे इजाजत, सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताजा सटीक विश्लेषण भरी जानकारी के लिए आप एडीआर में पॉइंट परिवार से जरूर जुड़िएगा। सेना भर्ती से जुड़ी ताजा अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शुक्रिया।